वेलकम बैक टू वाई ऑनलाइन की शॉर्ट फॉर्म। आज का जो लेक्चर है वो फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हम थीम के हवाले से कुछ सेटिंग्स कर रहे थे, थीम ऑप्शंस के अंदर हमने लास्ट जो की थी वो कैटेगरी पेज लेआउट तक सेटिंग की थी। अभी हम जो है फर्दर जो है कार्ड एंड चेकआउट के पेज में आके हम अगर कूपन ऑन चेकआउट पेज अगर हम अवेलेबल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चेक कर लेंगे। कंटिन्यू शॉपिंग बटन अगर आप करना चाहते हैं इसको आप एक्टिवेट कर लेंगे। और इसके भी मैं आपको चेंजेस बताऊंगा कि इनके जरिए क्या चेंजेस आई हैं वेबसाइट पर। इसके ज़रिए अब आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अपने परफ्यूम में ही आकर और इसको जो है मैं परफ्यूम के अंदर आकर और मैं इसको जो है इसको मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो ऐड टू कार्ट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट हो जाने के बाद आप इसको जब व्यू कार्ट करते हैं तो व्यू कार्ट के अंदर आपको कूपन की ऑप्शन जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसको अभी हमने एनेबल किया था जो कि चेकआउट के पेज पे आपको सॉरी कार्ट के पेज पे दिखाई दे रहा है। और अगेन कंटिन्यू शॉपिंग बटन का जो है इसको भी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये कंटिन्यू शॉपिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चेंजेस अप्लाई होंगी। और आफ्टर कार्ट कंटेंट भी आप कुछ दे सकते हैं, थैंक यू मैसेज भी या स्क्रिप्ट भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू आप क्या करना चाहते हैं। कैटलॉग मोड, कैटलॉग को आप एनेबल कर सकते हैं, प्राइजेस उसके डिसेबल करें और कैटलॉग अपना प्रीव्यू करवा सकते हैं। ब्लॉग स्टाइल में ब्लॉग का जो स्टाइल है वो राइट पे हो, लेफ्ट पे हो, जिस तरह आप चाहें इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टाइल इसका नॉर्मल हो, लाइफ स्टाइल हो, पिंटरेस्ट स्टाइल हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको किस तरह से लेआउट देना चाहते हैं। होम पेज हेडर पे कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं या आफ्टर ब्लॉग पोस्ट पे कुछ टेक्स्ट देना चाहते हैं, ये सारी कस्टमाइजेशन हैं। ऑथर का जो बॉक्स है वो एनेबल रखना चाहते हैं, डिसेबल, शेयर आइकन्स को एनेबल हम कर देते हैं, फिर सेफ ऑल चेंजेस करेंगे। जब ब्लॉग का मैं पेज यहाँ पे लिंक करूँगा तो आपको ये चेंजेस दिखा भी दूंगा। और फीचर आइटम्स जो हैं उसके अगर फर्दर आप सेटिंग्स करना चाहते हैं तो कस्टमाइज सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं जिस तरह से आप चाहें। सोशल मीडिया आप अगर फेसबुक लॉग इन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं यूजर्स की तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। बाकी ये तमाम के तमाम व्हाट्सएप भी जो है आपको अवेलेबल है इसमें। और अगर कोई कस्टम आइकन्स है, कोई कस्टम आप और इनके अलावा शेयर में लेकर आना चाहते हैं जैसे इंस्टाग्राम है तो यहाँ से सारी आप कर सकते हैं। और ये अब तक के लिए ज़रूरी ऑप्शंस थी। इसके बाद हम सेटिंग्स ऑल पेजेस में आके कुछ पेजेस हैं जो हमारे लिए इस वेबसाइट में यूजलेस है उनको हमने डिलीट करना होगा। मेक श्योर स्क्रीन ऑप्शंस में तमाम ऊपर की ऑप्शन एनेबल करनी है और नीचे जो है नंबर ऑफ पेजेस पर पेज पे जो शो हो वो मैंने 999 किया, आप इसको कुछ भी करके अप्लाई कर दें ताकि एक ही पेज में तमाम पेजेस आपको नजर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें जो कुछ पेजेस हैं वो हमारे यूज के लिए नहीं है, उन पेजेस को हमने डिलीट करना है वन बाय वन। जी तो जो इसमें अन इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं वो मैंने चेक लगा दिए हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें निंजा फॉर्म्स प्रीव्यू का पेज है, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, जब हम इस वर्डप्रेस डोमेन या वेबसाइट पे काम स्टार्टिंग लेक्चर्स में कर रहे थे तो ये पेज मैंने बनाया था, इसको हम डिलीट करेंगे। फिर अगेन जो है इसमें शॉप के दो पेजेस हैं लेकिन जो एक्चुअल पेज है वो इस थीम के साथ ये वाला वेब अवेलेबल है, दूसरा पेज आपने डिलीट कर देना है और इसके अलावा बाकी तमाम पेजेस को एज इट इज छोड़ना है और इसको आपने मूव टू फ्रेश एंड अप्लाई कर देना है। तो ये जो तीन या चार पेजेस मैंने सेलेक्ट किए हैं ये डिलीट हो जाएंगे यहाँ से। और फर्दर जो है अब हमने मेन्यूज में काम करना है, मेन्यूज कौन सी जो के आपको ये मेन्यूज दिखाई दे, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रही, अब मेन्यू हमने डिजाइन करनी है। बेसिकली इस थीम के साथ मेन्यूज ऑलरेडी बिल्ट इन है और उनको जाके हमने जस्ट कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपीयरेंस में एंड देन कस्टमाइज की ऑप्शन में आएंगे और कस्टमाइज में आकर
मज़ीद कस्टमाइजेशन करेंगे, जैसे कि अब साइट आइडेंटिटी है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट का टाइटल एंड टैग लाइन आप दे सकते हैं, आइकन, साइट आइकन है बेसिकली 512 जो कि कंटेनर के साइज के मुताबिक आप यहाँ दे सकते हैं। फिर मेन्यूज हैं, मेन मेन्यू जो है आपकी उसके अंदर ये सब मेन्यूज हैं, इन सब को हम चेंज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब हमने जो है बेसिकली स्टैटिक फ्रंट पेज पे सबसे पहले आकर यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टैटिक पेज फ्रंट पेज आपने शॉप को अभी फिलहाल चूज किया हुआ है, लेकिन उससे पहले भी जो है हमारा बेसिकली जो मेन इस टाइम फोकस है वो मेन्यूज पर फोकस है। मेन्यू पर जो है हमने मैनेज लोकेशंस पे आना है, और मैनेज लोकेशंस के अंदर फिर हमने तमाम मेन्यू जो इस थीम के साथ अवेलेबल है वो यहाँ पे डिफाइन करनी है। मेन मेन्यू बेसिकली आप इस एरिया पे जो मेन्यू होती है उसकी बात हो रही है, तो इसको हम मेन मेन्यू रखेंगे। अब आप देख सकते हैं साथ ही साथ आपको प्रीव्यू भी ये दिखाएगा, ये देखिए जी होम पेज, शॉप, शॉर्ट कोर्स एंड पेजेस। फिर मेन मेन्यू मोबाइल में अगर लेट सपोज कोई वेबसाइट ओपन कर रहा है तो मोबाइल के लिए जो है इसका एक अपना मेन्यू है, अब वो मैं बताऊंगा। फुटर के लिए बेसिकली आप टॉप नेविगेशन एंड फुटर नेविगेशन एक ही रख सकते हैं। टॉप बार मेन्यू जो है बेसिकली वो आपकी अगेन टॉप है नेविगेशन मेन्यू, और माई अकाउंट की जो है वो माई अकाउंट है, और ये जो है ये आप बेशक ये वाली मेन मेन्यू भी दे सकते हैं और इसको सेफ एंड पब्लिश आपने कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपकी मेन्यूज यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह डिज़ाइन हो चुकी हैं। ऊपर ये टॉप मेन्यू आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी मेन मेन्यू हो गई। माय पेजेस पे आपको फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं, और बॉटम पे भी आपको मेन्यूज दिखाई दे रही हैं। इस तरह से हमने इन तमाम चीज़ों को ऐड करना है, और अगेन आपने वापस आकर और आपने जो अपनी एक मेन्यू बनाई थी उसको डिलीट करना है। उसको डिलीट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, उसको डिलीट करने का प्रोसीजर ये है कि आपने तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं अपीरेंस के अंदर आके मेन्यूज में आता हूँ तो मेन्यूज में मैं इन सब को एडिट भी कर सकता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में ये शॉर्ट कोर्स के अंदर फर्दर मेन्यूज हैं, तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक आप सेट करते जाएंगे, अपनी कैटेगरीज जो आपने बनानी है वो डिफाइन कर देंगे। अब नेविगेशन मेन्यू खुद से बनाई थी मैंने, इसको अब मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, इसकी फर्दर मुझे ज़रूरत नहीं है, और जो अपनी इसकी मेन्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी हैं सब की सब। आप देख सकते हैं मेन्यू स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं तीन किस्म की मेन्यूज हैं। मेन जो मेन्यू है उसके अंदर होम पेज है, होम पेज है, होम पेज के अंदर फर्दर है, लॉन्ग है, सिंपल, अल्ट्रा, ग्रिड एंड दिस एंड दैट, ये सारी चीजें। अब ये अगर मैं इसको ग्रिड स्टाइल पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये डमी डेटा होता ही इसीलिए कि आपको बता सके कि आपके पेजेस के लेआउट जो हैं वो किस किस तरह से बन सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की इसकी सेटिंग करना चाहते हैं। फिर शॉप का है, शॉप के अंदर आपके जो डिफरेंट हैं वो आपको दिखाई देंगे। अब शॉप जो है बेसिकली हमने कन्फिगर करना है क्योंकि वो पेज हमने चेंज किया था। शॉप को आपने अगेन यहाँ पे लाना होगा, इसको हम रिमूव करते हैं और शॉप को अगेन यहाँ से एंटर करते हैं, ऐड टू मेन्यू, ये सबसे बॉटम में आ चुका है, और इस शॉप को मैं ट्रैक करके और जहाँ पे भी लाना चाहूँ ला सकता हूँ। बेसिकली मेन्यूज हैं ये, कोई इतनी वो हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि आपको ना समझ आ रही हो। इन मेन्यूज के अंदर आपने पेजेस को बेसिकली सेट करना है। जैसे कि अब मैं शॉप के बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे यहां पर आपकी शॉप तमाम की तमाम डिस्प्ले हो चुकी है। तो हर एक पेज को आप स्टडी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा, तो
आपको मजीद आइडियाज क्लियर होते जाएंगे कि आप अपनी वेबसाइट में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप उसमें काम कर सकते हैं। इस तरह अगेन अगर मैं चाहूँ माई अकाउंट की मेन्यूज को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूँ तो माई अकाउंट के अंदर बेसिकली इन मेन्यू की बात हो रही है। इसको भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से इसको चाह रहे हैं, किस तरह देखना चाह रहे हैं। फिर पोस्ट भी आप अगर ऐड करना चाहें पोस्ट कर सकते हैं, ब्लॉग्स हैं, प्रोडक्ट्स की मेन्यूज अलग से हैं, फीचर की अलग, टायर, ये सब चीजें प्रैक्टिस से होंगी। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, मुश्किल आए तो पूछिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।